नमस्कार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी, जो कि जिनके पेरेंट्स जिनके पिता आते हैं इंडिया से, आगरा से, उन्होंने कश्मीर पे मदद मांगी तुर्की से। तुर्की के आर्मी चीफ से मीटिंग में उन्होंने बोला कि 370 हटा दी गई और बड़ी एट्रोसिटीज हो रही हैं कश्मीर में, कश्मीर में हेल्प हो। और इनफैक्ट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की भी बात की और मिलिट्री के साथ में एक्सरसाइजेस की बात की और बहुत सारी बातें की गई। यही इसी पर बात करने के लिए कि भाई क्या पाकिस्तान को टर्की से कश्मीर के इशू पे सपोर्ट मिल पाएगी और मिलेगी तो कितनी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आलिया शाह जी। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि टर्की जो अपनी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, एक तख्ता पलट हुआ एर्डोगान के खिलाफ, उसके बाद टर्की ने अपनी इकोनॉमी भी झेली, इकोनॉमी में भी बहुत फ्रंट में परेशानियां हैं, यूरोपियन यूनियन से बन नहीं रही है, तख्ता पलट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई अमेरिका की, वो टर्की क्या पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पे सपोर्ट कर पाएगा? जी नमस्कार रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने मुझे इसमें इनवाइट किया। ये जो टॉपिक आपने चूज किया, जिस पे जो आप टर्की की बात कर रहे हैं, मैं भी देख रही थी कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो है वो एक इस तरह की बात दिखाई दी कि उन्होंने ये जो है इंडिया दिया है कि इस तरह की। अच्छा, उसमें जो है वो जो आप बात कर रहे थे खासतौर पर जो ट्रेनिंग्स के हवाले से जो मैंने पढ़ा था उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा एम्फोसाइज किया कि जो ट्रेनिंग्स होगी और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ। असल में देखिए, जो आपने बात की ना, तो अब पाकिस्तान किसकी तरफ देखेगा? एक तो पहली तो बात ये कि ये पॉइंट तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके टर्की से काफी काफी अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहते हैं, और उसको तो आपको पता ही है कि तैयब उर्दवान को एक मुस्लिम उम्मा का हम वो समझते हैं। और आप जानते हैं कि जब ये फेलस्तीन और इसराइल का मामला हो रहा था तो पाकिस्तान तो टर्की की तरफ देख रहा था, और तैयब उर्दवान उसे बहुत उछल रहे थे और कह रहे थे कि वो जो है लग रहा था कि बस वो मुस्लिम उम्मा के लीडर बनना चाहते हैं, और उनकी तो ख्वाहिश भी यही है कि वो सऊदी अरब को पीछे करके और खुद जो है वो वाली गद्दी संभाल लें, सीट ले लें, जिसके ऊपर वो पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज है उन सब के वो प्रिजाइड कर सके, उनको हेड कर सके, ये उनकी ख्वाहिश रहती है। और आप जानते हैं कि उनके जो इरादे रहते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि एक जिसे कहना चाहिए कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट उनका नहीं लगता, क्योंकि वो इस्लाम और इस तरह की इस्लामाइजेशन, इस तरह की चीजें काफी करते रहते हैं और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के तो जाहिर आप जानते हैं ताल्लुका तुर्की से बहुत अच्छे हैं। अब पाकिस्तान के पास और कोई बचा नहीं, अमेरिका से तो आप जानते हैं कि ताल्लुकात कितने खराब हो चुके हैं। अब जाहिर है कि अमेरिका से तो हम इस किस्म की कोई डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा हम और किसकी तरफ देखें? बाकी तमाम जो कंट्रीज हैं उनसे भी कोई इतने तो अच्छे ताल्लुकात जो है वो नहीं है। कि तो जो दो तीन ऐसे ममालिक हैं जिस तरह सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया से भी आप जानते हैं कि कर्ज भी ले चुके हैं हम, उसके अलावा मुख्तलिफ जो है उस हवाले से वो हमारी मदद करता रहता है, उससे भी ताल्लुकात ऊंच नीच रही। अगर आप अभी रिसेंट पास्ट में जाएं तो क्या होता रहा कि उन्होंने अपना कर्जा भी वापस मांग लिया था। तो अब टर्की ऐसा है तो जाहिर है कि उसी को ये कहा जा सकता है, उसी की तरफ देखा जा सकता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के हर लीडर का जो है वो तो हर हर उसमें जो है कश्मीर का मसला सामने लाना और इस तरीके से जो है वो तो एक नैरेटिव चलता है ना, तो उसी तरीके से उन्होंने टर्की के हवाले से जो है वो ये बात की है। मेरा ये अपना मानना है कि शायद उन्होंने यही एक तरीका अपनाया। वैसे खबरें ऐसी भी आ रही थी कि $2,000 दे करके वहां से सीरिया से मुजाहिदीन को टर्की भेज रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। ऐसा कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया जो कि सीरियन ओरिजिन का हो या उस एरिया के ओरिजिन का हो। कश्मीर में ज्यादातर कश्मीर में जो पकड़े जाते हैं या जिन एनकाउंटर में मारे जाते हैं वो आइदर पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं या कश्मीरी ओरिजिन के होते हैं, तो ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। दूसरी बात ये कि टर्की ने एर्तुगुल दिया, अच्छी बात है, टर्की ने पाकिस्तान को कुछ वहां की सबमरीन्स और शिप्स को रिफिट कर रहा है, वो भी किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए पेमेंट मिल रहा है, लेकिन क्या टर्की पाकिस्तान को कश्मीर कॉज में सपोर्ट कर? इससे पहले उसने बोला था, कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया। एफएटीएफ से बाहर निकालने के लिए जरूर सपोर्ट किया था लेकिन सपोर्ट नाकाफी था, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद है कि टर्की नैया पार लगा पाएगा, कश्मीर में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा टर्की से, या और कोई
और कोई कंट्री, मुझे तो ऐसा और कोई कंट्री दिखा नहीं, इसलिए मैंने शायद पूछ लूं। ये जो आपने बात की, एक तो बड़ी आपकी ने ये पते की बात की आपने, कहा एक तो टर्की ने अल तुगरल दिया ना, तो बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान को टर्की ने जो सबसे बड़ी चीज दी है वो अल तुगरल है। यहाँ पे तो हर तरफ जो है ना उसकी धूम मच गई है और सबको, पूरी कौम को उसके पीछे लगा दिया गया। सबने बड़े शौक शौक से बैठ कर वो ड्रामा देखा है और अब उसमें जो जिहाद दिखाया गया है, जो उसमें नैरेटिव बयान किया, सब उसी के पीछे लग गए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं तो खुद इसके ऊपर मैंने कई मरतबा ये बात की है और मैंने कहा है कि पीएम साहब ने अगर कोई सजेस्ट करना था तो कोई साइंसी डिस्कवरी के हवाले से कोई मूवी करते, कोई इस तरह की मूवी होती कि जिसके ऊपर जिससे लोग खासतौर पर पाकिस्तान की जो यूथ है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के उससे कुछ सीखती और उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता कि हम साइंस में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, प्लैनेट्स पे जाने के लिए वो सोचें, कोई ऐसी मूवी जो है वो सजेस्ट करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अपना अपनी अपनी पसंद है और उन्होंने ये वाली जो है अल तुगरल पे इतना जोर दिया, तो देखिए ना कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो अल तुगरल बनना चाहता है। और यहाँ पे तो खैर अल तुगरल जो मुझे उनका कैरेक्टर का एग्जैक्टली नाम क्या है वो भी नहीं याद क्योंकि मैंने वो देखा नहीं ड्रामा, तो वो जो है वो यहाँ पर आ भी चुके हैं कई मरतबा। अच्छा देखिए, इसके अलावा ना टर्की ये जो दिया है तो और कुछ ज्यादा आप उम्मीद नहीं रखिए। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात की, आप फर्ज कीजिए कि जिस तरह पाकिस्तान अगर उनको कहता है कि कश्मीर के हवाले से आप हमारी मदद कीजिए तो आप वो क्या मदद करेंगे। अब टर्की जो है तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़ा स्टैंड लिया था, बड़े बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े डायलॉग्स बोले थे जिस पर पैलेस्टीन और इसराइल का मामला चल रहा था, ठीक है आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा। लेकिन उसके बाद अगर आप जरा उनकी स्टैटिस्टिक्स में जाइए तो टर्की का इसराइल के साथ तिजारत के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट, तिजारत नहीं रुकी उनकी, उनकी ट्रेड चलती रही। तो ट्रेड वो इसराइल से करेंगे और दावे वो ये करेंगे कि वो पैलेस्टीन को आजाद करवाएंगे। तो देखिए ये तो आप जानते हैं ना पॉलिटिशियंस की ये बातें, ये सब कुछ तो आपको पता ही है कि ये हर एक हर चीज के पीछे जो है एक कुछ ना कुछ पर्पस होता है और अपने खास तौर पर एक पॉपुलर नैरेटिव जो होता है वो तो सबसे फेवरेट है हमारे, जो आप कह लीजिए एशिया के इस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं उनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो जो पॉपुलर नैरेटिव है उसको लेकर चलें और आवाम को उसके पीछे लगा दें, ताकि उसके पीछे जो असल जरूरतें हैं आवाम की, जो असल चीजें हैं करने वाली, उनको वो उन पर मिट्टी डाल दें कि वो नहीं भी करेंगे तो आवाम को इसके पीछे लगाओ, पर इस बत्ती के पीछे कुछ और नहीं भी करोगे तो आराम से अपना जो है वो टर पूरी करोगे। अच्छा एक और बात इसमें आपने कहा कि जी कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की उनसे तो असल वो क्या मदद करेंगे, ये जो आपने सीरियंस की बात की मैं इसके बारे में क्या बात करूँ, मतलब अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप कोई दहशत गर्द भेज रहे हैं। ये तो बात जो है ये पकड़ने वाली, कोई भी कंट्री अगर इस तरह कहेगा कि हम इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग जो हैं वो इस जगह भेज रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि दूसरा कंट्री उससे ये पूछ सकता है कि क्या आप दहशतगर्दी करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो पकड़ हो सकती है। तो वो किस हद तक इसमें ठीक है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। राइट, और दूसरा दहशतगर्दी तो बहुत दूर की चीज, क्योंकि ये जो खबर आई थी कि सीरिया से मुजाहिदीन इंडिया भेजे जा रहे हैं या कश्मीर में भेजे जा रहे हैं, इसको टर्की की एम्बेसी ने डिनाई कर दिया, तो डिनाइल तो आ गया, साथ में जो रीफिट है वो भी हो रहा है, मिलिट्रीली हेल्प हो रही है इसमें कोई शक नहीं, और रीफिट कर भी कौन सकता था, कहां से रीफिट मिलता। तो जो ये इंडिया पाकिस्तान और टर्की का जो रिलेशन है, इस ये पाकिस्तान और टर्की का रिलेशन क्या इतना सॉलिड हो पाएगा कि वर्ल्ड में पाकिस्तान को कहीं सपोर्ट मिले, या तो एक, क्योंकि एर्दोगान साहब तो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम उम्मा के चीफ बन जाए, यही सपना कुछ लिए बैठे इमरान खान, दो कंटेंडर और दोनों के दोनों एक ही पोस्ट के कंटेंडर, तो कहां तक एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। वैसे भी एर्दोगान को अपना अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अपने ही आप यूथ का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बहुत। एर्दोगान की एक हिस्ट्री है, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है वो, उन्होंने बचपन में बहुत मेहनत की है, सड़कों पर सामान बेचा है, तब वो जाकर के पढ़े लिखे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने, वो उनकी एक हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और बहुत मेहनत की है उन्होंने जिंदगी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो सपना है, ये सपना कि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के चीफ बन जाएं, ये थोड़ा ऊंचा लगता है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसे ऊंचे सपने के लिए, तो क्या दोनों कंट्रीज एक दूसरे और इसमें इंडिया से पंगा ले करके, वो भी पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ाई लेना, क्या टर्की के लिए वायबल है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा वायबल होगा। देखिए ये जो आपने बात की ना कि अपने मुस्लिम उम्मा का अपने आप को लीडर वो कोशिश करें, मतलब वो तो मेरा तो कहना समझते हैं
पीएम इमरान खान भी जब बात करते हैं इस तरीके से, अगर आप देखें उनकी बात में, तो जिस तरह वो करते हैं, और फिर ये कि जब भी वो कोई इस तरह की यूएन जब वो जाते हैं तो उनकी तरफ से उनकी टीम्स की तरफ से जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वो यही बन रहे होते हैं कि जैसे वो जो है वो पूरे उम्मा को लीड कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये तो आप जानते हैं कि किसी मुल्क का लीडर जब कहीं किसी दूसरे उस पर जाता है तो उस वक्त जो है जाहिर है उसको प्रमोट भी किया जाता है, हाईलाइट भी किया जाता है अपने कंट्री के उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन ये जो आपने बात की कि दोनों में जो है, अब देखिए ये तो दोनों को खुद ही फैसला करना पड़ेगा, दोनों को टॉस करनी पड़ेगी, टॉस से ही पता चलेगा कि कौन बनता है मुस्लिम उम्मा का लीडर। प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट ये बहुत अरसे से चला आ रहा है, हमेशा से जो है ना एक आम तौर पर यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि वहां पे जो है वो जाहिर है कि एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो माना जाता है, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना वो उसको समझते हैं। इसकी वजह ये कि फतवे वहां से आते हैं। उसके बाद अब जाहिर है कि कंट्रीज के बीच जो है वो दौड़ भी शुरू हो गई कि वो क्यों हम क्यों नहीं, क्योंकि अब केस भी बदल रहा है, यूएई भी बदल गया तरक्की के दौर में, वो कह रहे हैं कि अब इसका लीडर बनने के बजाय हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का लीडर बनने के लिए जो है हमें तगोदो करनी चाहिए, अब वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो अब तुर्की जो तैयब अरदोगान साहब है उनकी ये कोशिश है, और जाहिर है हमारी तो हमेशा से, हम तो समझते ही अपने आप को, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान बना ही इसलिए है ताकि वो पूरी मुस्लिम उम्मा की को लीड कर सके। हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप किसी भी बच्चे को ही मालूम है हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है, तो बनने की तो हम तो समझते हैं। तो ये तो मेरा मैं इन चीजों को बहुत ही वो समझती हूँ कि ये वो दौर नहीं है कि जिसमें आप ये समझे क्या कर लिया आपकी मुस्लिम उम्मा ने आज तक किसी एक पॉइंट पर, किसी ऐसे नुक्ते पर जिस पे आप जमा हो सके हो, कभी आज तक आप मुत्तहिद नहीं हो सके आपस में। आपस में जब आपकी सॉलिडेरिटी नहीं है, आपस में आपकी यूनिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, किसी और के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए। तो बाकी जहां तक आपने ये कहा कि तैयब उर्दवान का अगर वो ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल करके आता है, ये तो मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया के जो भी लीडर्स अगर एक मीडियोकर लाइफ से शुरू करके उन्होंने मिडिल क्लास लाइफ से आए हैं, मेहनत करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके के जो इनहेरिटेंस में मिलता है आप आ जाते हैं वो भी ठीक है। अगर कुछ लोगों के नजदीक हो, जिस तरह हम कहते हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा जो है डॉक्टर ही बनेगा, जो इस तरीके से चलती है वरासती ये पॉलिटिक्स, वो इसको कहते हैं कि ये तो होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेहनत करके आता है किसी तरीके से, वो बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी स्ट्रगल पे आता है, ये बात उनकी ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाए हैं जिनसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होता ये वर्तमान के उस माइंडसेट से। राइट मैडम, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर तेज बोलें तो बेहतर होगा। जहां तक बात ये कि एर्डोगन, ठीक है, एर्डोगन अपने ही कंट्री में टर्की, वो जो ईस्टर्न एरिया है टर्की का, उसमें कुर्दों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कुर्द भी तो मुस्लिम हैं, अगर कुर्दों से एक लड़ाई हो रही है और कुर्दों का एक एट्रोसिटी को कुर्द बोलते हैं कि हमारे ऊपर हो रही है, कई मिलियन उनके पास, 4 मिलियन 40 लाख उनके पास रिफ्यूजीज आए हुए हैं सीरिया से, ऐसी सिचुएशन में, और सीरियन रिफ्यूजीज ये बोल रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जब वो खुद ही मुसलमानों से लड़ रहे हैं, तो वो मुस्लिम उम्मा के चीफ कैसे बन पाएंगे? यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में है इमरान खान के साथ, मुस्लिम जी उनके खिलाफ है, तो ये मुस्लिम उम्मा में ही एक प्रॉब्लम दिख रही है। तो क्या आरिफ अलवी साहब को ये लग रहा था कि फिर भी हम लोगों को सपोर्ट कर देंगे मिलिटरीली, और हम उस मिलिटरीली सपोर्ट में हम चीफ बन जाएंगे, और कश्मीर भी आजाद करवा देगा, लाकर के अपनी आर्मी भेज देगा तो कश्मीर आजाद हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा क्या? देखिए ये जो है ना, अब आप देखिए इस वक्त जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब आपको मेरा ख्याल है शायद बेहतर आवाज आ रही हो, जितने थोड़ी बेटर आ रही है जी, जितने भी आप कंट्रीज देख लीजिए वहां पर क्या है, जिस तरह आप केसे देख लीजिए, सऊदी अरब की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो क्या, यमन, तो यमन में जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ हुआ है वहां पर, जितने बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे और लोग मरे हैं, तो क्या सऊदी अरब से ही तो उनकी लड़ाई चल रही है ना, दो मुस्लिम कंट्रीज की, तो मुस्लिम कंट्रीज का आपस में जो ये लड़ाई करना है ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो हम बड़ी पुरानी बात है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मुसलमानों जो बादशाह गुजरे हैं उन्होंने तो एक दूसरे के सर उड़ाए हैं, एक दूसरे के सर काटे हैं, बल्कि अपने जो शहजादे होते थे उनके सर काट के डिश में रख के भेजे जाते थे, तो हमारा तो पास्ट ऐसा है। तो ये जो बात हो रही है कि एक दूसरे को कत्ल वगैरह जो है हमेशा से होती रही है, तो अभी इस वक्त जो है ये भी यही सूरत हाल है। मैंने वही तो कहा कि जब एक मुस्लिम उम्मा को लीड करने की बात आती है तो उसमें ये होता है मसला कि वो लोग के जो आपस में ही एक दूसरे से यूनिटी नहीं कर पाते, वो कहाँ से लीड करेंगे, किसी को भी उठा लीजिए, तैयब उर्दवान से
बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनको उनको बड़ी शिकायतें हैं और उन्होंने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं कि जो थोड़े से प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वो उसको पसंद नहीं करते उन बातों को। और इसके अलावा भी जाहिर है कि आप जानते हैं कि जियोग्राफिकली भी अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं और अपनी अपनी फाइट्स होती हैं, वो सब तो होती हैं। जहां तक आपने ये बात की कि उन्होंने क्या हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उन्हें क्या उन्होंने ये समझा कि अगर टर्की मदद करेगा तो वो जो टर्की है वो कश्मीर आजाद करवा सकता है, अगर ऐसा होता समझते होते वो आप अगर पाकिस्तान ऐसा समझता होता तो आज तक जो है वो बहुत पहले ही तैयब उर्दवान साहब से टर्की से कह के ये काम करवा लेता। इसका मतलब ये हुआ कि वही मैंने एक बात की कि बात बराए बात करना, और ये जो आप देखते हैं ना ये तो हमारे लीडर्स के मुंह पर एक ही होता है। जिस तरह मैंने अभी कहा कोई मसला अगर ऐसा हो जिसपे अवाम के जज्बात जो हैं वो भड़काए जा सके, अवाम को उसके पीछे लगाया जा सके, वो हर चीज में वो वाला मसला जो है सबसे ऊपर बयान कर दिया जाता है, सामने सबके सामने ले आया जाता है। हमने खुद क्या किया कश्मीर के लिए, क्या किया आपने 5 मिनट या 10 मिनट खामोशी इख्तियार की थी, आपको भी याद होगा कितने मिनट थे, बस इतने मिनट खामोशी इख्तियार की। और तैयब उर्दवान से आप ये कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं तो कि वो आजाद करवाएं, तो भाई माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहेंगे आप खुद तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें और हम जाके वहां पे लड़ाई करें। राइट मैम, आलिया मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप कितनी आसान नहीं है और जे आग का दरिया डूब के जाना है, भले ही बोला किसी और चीज के लिए गया हो लेकिन यहाँ फिट होता है। मैम थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस, उम्मीद है आपसे एक और टॉपिक फिर डिस्कशन होगा, अभी के लिए नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।